आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल ऑथेंटिकेटर कोड है वो अपना रिकवर कर सकते हो एमकॉइन का। दोस्तों अभी के टाइम के अंदर यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा मुझे भर भर के कमेंट आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, जो मैंने अपना नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो आप वहां पे मुझे मैसेज है वो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी मुझे बहुत ज्यादा मैसेज है वो आ रहे हैं कि सर मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर कोड है वो गुम हो चुका है, कैसे मैं उसको रिकवर करूं। दोस्तों अभी के टाइम के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि अभी के टाइम के अंदर मिथरवर्ल्ड के अंदर दो वेबसाइट है वो चल रही है, एक mithravad.com है और देन एक एमकॉइन जो अकेडमी करके उन्होंने बनाई हुई है वो चल रही है, ठीक है। दोनों के अंदर आप अलग अलग तरीके से अपना क्या है कि गूगल ऑथेंटिकेटर कोड है वो रिकवर कर सकते हैं। पुरानी वाली आईडी के ऊपर क्या होता था कि जब आपका गूगल ऑथेंटिकेटर कोड है वो लॉस्ट हो जाता था देन वो लॉगिन तो हो जाती थी लेकिन वहां से क्या है कि ट्रांजेक्शन करते हैं जब हम तो तब हमें गूगल ऑथेंटिकेटर कोड की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अभी जो इनकी न्यू वेबसाइट है मिथर अकेडमी वहां पे क्या है कि बिना गूगल ऑथेंटिकेटर कोड के लॉगिन भी नहीं होता है। इसी वीडियो के अंदर आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप गूगल ऑथेंटिकेटर कोड को रिकवर कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके मैं आपको हर एक चीज है वो समझाता हूं। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे क्या करना है, अपने अपनी ईमेल आईडी को ओपन करने लाए जो आपके मिथरवर्ल्ड एकेडमी के अंदर या फिर एमकॉइन के अंदर जो भी रजिस्टर होगी वो वाली, ओके। देन आपने क्या करना है, फ्रॉम के ऊपर ही आपकी क्या आएगी, सबसे पहली जो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर होगी वो आ जाएगी। टू के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जिस ईमेल आईडी के ऊपर आपने मैसेज करना है, info@mcoinnetwork.com। ये ईमेल आईडी याद रखें, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। ये वाली ईमेल आईडी क्या करनी है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे यहाँ पे देखिए ये आ चुकी है, देन हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देन अभी इसके बाद यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर आपने सिंपल सा लिखना है गूगल ऑथेंटिकेशन लॉस्ट, ओके ये चीज़ लिखनी है। फिर उसके बाद लिखना है प्लीज़, ठीक है प्लीज़ लिख के फिर आपने लिखना है गिव मी न्यू गूगल ऑथेंटिकेटर कोड, ओके ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ आपने लिख दी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपोज मेल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है आपने डेयर सर, ओके जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डेयर सर लिख लेता हूँ फटाफट, ठीक है। तो आप सबके साथ पे आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपने नीचे क्या करना है, अपना आप यूज़र आईडी लिख सकते हो, ठीक है मैं यहाँ पे यूज़र आईडी लिख लेता हूँ, देन जो भी आपकी यूज़र आईडी होगी वो आप यहाँ पे लिख लेना। फिर देन आपने यहाँ पे लिखना है अपना माय नेम, ओके देन जो भी आपका नाम होगा वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके देन आपने क्या करना है, माय नेम लिख लेना है। फिर उसके बाद एंटर करके यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो चीज़ आपने लिखनी है, आपने सिंपल सा लिखना है माय गूगल ऑथेंटिकेशन कोड देन हैड बीन लॉस्ट, यहाँ पे सिंपल सा लिखना है माय गूगल ऑथेंटिकेटर लॉस्ट प्लीज़, ओके प्लीज़ लिख के प्रोवाइड मी न्यू गूगल ऑथेंटिकेशन कोड, ओके ये चीज़ आपने लिखनी है। गूगल ऑथेंटिकेटर लिख दिया, देन उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे मैं फटाफट यहाँ पे लिख लेता हूँ आप सबके सामने, ओके ये लिख दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक एंटर करके देन थैंक्स का लिख देना है, थैंक्स कर देना है, देन उसके नीचे आप अपना नाम लिख सकते हो, ओके नाम लिखने के बाद आप यूज़र आईडी दे सकते हो, यूज़र आईडी देने के बाद देन अपना एक मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हो, ओके मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया तो देन इतनी सारी चीज़ें आपने लिखनी है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें लिखनी है, ओके और ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर आप लिख दीजिए, अपने यूज़र आईडी लिख दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए, ओके देन यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है सेकंड लास्ट जो बटन है, ओके देन इसके ऊपर आपने क्या करना है, सिंपल सा ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो एमकॉइन की जो टीम है उनके पास मैसेज चला जाएगा आपकी यूज़र आईडी को लेके, देन के आपके गूगल ऑथेंटिकेशन कोड है वो लॉस्ट हो चुका है, देन आपको रिकवर कराना है, ओके तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, आपका गूगल ऑथेंटिकेशन कोड है जो क्या होगा, रिकवर हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर ही, ओके तो ये पूरा स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सेम चीज़ आपको करनी है और देन आपका गूगल ऑथेंटिकेटर कोड है वो रिकवर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जो बताना, और इसी तरह के मोर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, और देन कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैंने टेलीग्राम का और अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो, सबसे पहली अपडेट वहीं पे आपको मिलती है, और देन फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।